नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस मनपसंद कार्यक्रम कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। जय श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज का विषय भी बेहद ही खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। यूं तो हर दिन हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां दे ही रहे होते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही होती हैं आपको, पर आज हम आपको बताने वाले हैं आचार्य जी, जैसे कि हमने कई बार खबरों में भी सुनते हैं, न्यूज में भी सुनते हैं कि जैसे बस जो है यात्रा पर गई और एकदम से खाई में गिर गई और बस में जितने भी यात्री थे उनकी जाने चली गई। इस तरह की दुर्घटनाएं जो है अक्सर हमें सुनने को मिल ही जाती हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि एक कार में पूरा परिवार निकला सफर के लिए और फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ और परिवार के सभी सदस्य जो है उनमें से कोई भी नहीं रहा। क्यों ऐसा होता है, क्यों इस तरह की सामूहिक दुर्घटनाएं घटती हैं जब एक साथ इतने सारे लोग जो हैं जीवन से चले जाते हैं, क्या वजह होती है? बिल्कुल कंचन, देखिए आज बड़ा रोचक विषय है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। हम सब अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वो तो होके रहता है। यदि हम समझ ले पहले से ही कि हमारे जीवन में दुर्घटनाओं की संभावनाएं कहाँ कहाँ और किस रूप में है, तो अपनी रक्षा के लिए और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सामूहिक कैजुअलिटीज जितनी होती हैं उसके पीछे के कारण क्या है। आपकी हस्तरेखा में कौन सी ऐसी रेखा है जो पहले ही आपको इंडिकेट कर देगी कि आपके साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और आप अपनी रक्षा के लिए अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें, एक्स्ट्रा प्रयास करें। कहाँ है वो रेखा? जल में, थल में अर्थात जमीन पर, वायु में, अग्नि के साथ, किस प्रकार से कैजुअलिटी हो सकती है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, यह जानकारी आज हम आपको बताएंगे। आपकी कुंडली का कौन सा ऐसा भाव है जो मृत्यु के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, बताता है कि मृत्यु किस प्रकार से होगी, कंफर्म बताता है, बिल्कुल एग्जैक्ट फाइट करता है कुंडली का एक खास भाव कौन सा है वो। आप सब अष्टम की तरफ इशारा समझ रहे होंगे, लेकिन मित्र मेरे अष्टम नहीं है। नया शोध लीजिए आज हमसे, एक नई जानकारी देंगे बिल्कुल यूनिक, सबसे हट करके। आज हम बताने वाले हैं किचन पिटारा में एक खास जानकारी कि अगर आप बार बार तनाव के शिकार हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ इस प्रकार की स्थिति आती है कि आप छोटी सी बात को लेकर के दिमाग को बिल्कुल परेशान कर देते हैं, तो तनाव से कैसे बचा जाए, कैसे तनाव को रिलीज किया जाए, वो जानकारी आज इसके अंदर है। जी हाँ, और आपके लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए आपका लकी साथी यानी कि लकी अक्षर भी आपकी राशि के अनुसार बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं। तो क प म र क्या आएगा आज आपके हिस्से में आपकी राशि के अनुसार, इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। पर उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। हर दिन एक कवच आपको दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि दुर्घटनाओं से, नकारात्मक शक्तियों से आपका हर दिन बचाव हो पाए। तो कल की तारीख में किसी भी खास काम के लिए यात्रा पर अपने घर से निकलें, परिवार सहित या अकेले, तो बिल्कुल सुरक्षित रहें और अपनाएं रक्षा कवच। चलिए आपकी रक्षा करवाते हैं कल के निमित्त। जब आप घर से प्रस्थान कर रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, एक ईंट घिस लीजिए, छोटा सा ईंट का टुकड़ा लेकर उसको घिस लीजिए, हल्का से चंदन घिसते हैं, और फिर उसे अपने माथे से उसका तिलक लगा करके फिर घर से प्रस्थान करें। पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे, हर तरह से सही सलामत रहेंगे। बिल्कुल, और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। एक ऐसा मिशन है जो कि आपको सक्सेस दिलवा देता है, तो हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता पाने के लिए जरूर अपनाकर चलें कल की तारीख में मिशन सक्सेस। चलिए कल के दिन खास तौर पर सफलता देने के लिए, सफलता दिलाने के लिए, सफलता पाने के लिए एक खास उपाय आपके लिए, 3 लौंग सिंदूर में स्पर्श कर लीजिए, कल के दिन का है, और इसे आप तुलसी के नीचे रखते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करेंगे, पूरे दिन आप सही सलामत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए अपने विषय पर भी आ जाते हैं आचार्य जी। आज का विषय वाकई बहुत ही रोचक है, और जैसे कि आपने बताया कि कुंडली में कोई ऐसा ग्रह होता है जिसकी वजह से, किसी खास भाव में होने की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं जो है वो हो जाती हैं। आज के विषय पर बढ़े उससे पहले आप जानना चाहेंगे कि क्या ये संभव होता है कि अगर कार में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और किसी एक की कुंडली में वो योग बना हुआ है तो बाकी सब पर भी उसका घातक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है कंचन, और ऐसी स्थिति में वह एक खास व्यक्ति तो कुछ ज्यादा चोटिल होता है या उसके साथ पूरी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी वो कष्टदायक बन जाता है। तो प्रबल किसका है, रक्षात्मक वाले का है या फिर दुर्घटनात्मक वाले का है, इस पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एक खास वजह से आप सब या तो बच जाएं या एक खास की वजह से आप सब चोटिल हो जाएं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। जी हाँ,
इसीलिए कुंडली का वो भाव, वो ग्रह देखना बहुत ही जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे, इस पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। लेकिन परविंदर कौर जुड़ी हैं हमारे साथ। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। राधे राधे। जय श्री राधे। हाँ जी आचार्य जी, मुझे 6 साल हो गए हैं आपसे फोन पे बात करने के लिए तरसते हुए। रोज फोन करती थी, रोज आपका प्रोग्राम देखती थी। बहुत आभार। लेकिन धन्यवाद जी, पर अभी मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ सर पिछले 15 दिनों से, क्योंकि आपका चैनल जो है वो देखने नहीं मिल रहा है जी। बहुत कोशिश कर रहे हैं, पहले कई लोग बात करते थे, कहते थे कि आपका चैनल नहीं दिख रहा, तो हम सोचते थे कि वो दूसरा मतलब डिश यूज करें और करें। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं भी नहीं देख पा रही। परविंदर कौर जी आपसे यही कहना चाहेंगे कि लाइव इंडिया जो है फ्री टू एयर चैनल है, यानी कि आप अपने केबल ऑपरेटर से बात कीजिए, और अगर आपके चैनल पर आपको नहीं दिख रहा है ये चैनल, तो आप उनसे बात करेंगे तो संभव है आपको जल्दी लाइव इंडिया देखने को मिल जाएगा। आज क्या जानना चाहती हैं आप, किन के बारे में? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। बताएं जन्म की तारीख। हाँ जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1961, 8 PM जी। और प्लेस? प्लेस पटियाला पंजाब जी। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल एक तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड है, और एक ये है कि मैम हमारे पास पहले मकान था अपना, छोटा था जी, और उसको सेल करके हम बड़ा मकान लेना चाहते थे जी। तो वो मकान लेने के लिए हमने उसको सेल कर दिया, और वो पैसे कुछ हमारे कहीं फंस गए हैं, और वो मकान हम ले नहीं पा रहे हैं। उसका क्या कारण है वो समझ नहीं आ रहा जी। बिल्कुल परविंदर जी, देखिए कुंडली में आपके मंगल राहु का अंगारक योग है, मंगल भूमि पुत्र होता है। मंगल राहु का साथ होने के कारण जमीन संबंधी, मकान संबंधी चिंताओं को ये बल देता है, उसको जन्म देता है। सबसे पहले तो मंगल को शांत करने की आवश्यकता, यदि आप अपने नाम से मकान के निमित्त विचार कर रही हैं। और ये मंगल राहु अष्टमस्थ है, 8वें भाव में है, जहां पर राशि है सूर्य की सिंह। यह पेट संबंधी दिक्कत आपके साथ जोड़ के रखेगा, जीवन पर्यंत रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। संयमित खान पान रखें, अनुशासित जीवन जिए, सुबह उठना सोना खाना पीना बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ एकदम ढंग से करिएगा, इसी से कुछ हद तक लाभ मिल जाएगा। बृहस्पति नीच का लग्नस्थ होने के कारण लीवर और किडनी प्रॉब्लम भी दे देता है, तो बृहस्पति की अच्छा महादशा भी चल रही 2024 तक। प्रत्येक गुरुवार केले के पौधे की परिक्रमा और हल्दी मिश्रित जल से उसको सींचना, बस 2 उपाय करिए, लाभ दिख जाएगा। बिल्कुल। और आइए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं आचार्य जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, सामूहिक रूप से जो दुर्घटनाएं जो घटती हैं, परिवार के चिराग छिन जाते हैं, क्या वजह होती है, क्यों ऐसी घटनाएं राह चलते सड़क पर होती हैं? बिल्कुल, देखिए कुंडली में सबसे पहले ये जानिएगा कि अकस्मात दुर्घटना के कारक भाव और ग्रह कौन से हैं। अचानक रास्ता चलते, ये अचानक ही होता है। आप कम उम्र में कोई काल का ग्रास बन जाता है, वह प्री प्लान नहीं था। एक होती भाई अपनी मौत होती है 80-90 साल, अच्छा लगता है, चलते फिरते व्यक्ति चला जाता है, लेकिन जब आदमी ने जिया ही नहीं, जिंदगी को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, और बीच में ही प्रकृति ने किसी खास कारण से एकदम से छीनने का प्रयास किया या छीन ही लिया, क्या है इसके पीछे का कारण, आइए एक नजर डालते हैं। अगर जमीन पर ऐसा होता है, भूमि पर होता है, थल पर होता है, चतुर्थेश और सप्तमेश यदि किसी की कुंडली में एक साथ हो, आगे हस्तरेखा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस जगह पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं। पहला योग, कुंडली में चतुर्थ और सप्तम का योग अगर साथ है, चतुर्थ भाव में राहु हो और तृतीयेश से दृष्टिगत संबंध हो, तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थस्थ राहु को देख रहा हो, योग बहुत क्लियर हमने बताया है, समझते जाइएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाए, ये आजमाया हुआ है, एक्सपीरियंस में मेरे बिल्कुल सटीक आया है ये। चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जाने पर वाहन दुर्घटना, सामूहिक दुर्घटना का संभावना है, प्रबल हो जाता है, वाहन से हो जाए या प्राकृतिक रूप से किसी आपदा के शिकार हो जाए। आप घर के अंदर 50 लोग रहते हैं एक बिल्डिंग में, और अचानक से बिल्डिंग ही जमींदोज हो गई, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का योग फलित होता है, घटित होता है। चतुर्थ भाव मकान का होता है, समझना चाहिए। यदि लग्नेश कुंभ राशि में होकर 8वें में हो,
यह सिर्फ योग कर्क लग्न में ही घटित होगा। मतलब यह हुआ कि कर्क लग्न में लग्नेश कुंभ में आ जाए, अष्टमस्थ हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जमीन पर सामूहिक दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसे लोग को सावधान रहना चाहिए। यदि जीवन रेखा पर, अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आपकी रेखाएं कहां तक इंडिकेट कर देती हैं। यदि जीवन रेखा पर कहीं पर भी क्रॉस बना हो, मतलब यहां से लेके और यहां तक, जो शुक्र पर्वत को कर्व के आकार पर यहां घेर रही है लाइफ लाइन, कहीं पर भी क्रॉस बन जाए, अच्छा जहां पर क्रॉस बनती है उसी एज में ये घटना घटती है। एज कैसे निर्धारण करें? एक धागे में 100 गांठ लगाकर जीवन रेखा के यहां तक आप ले आइए। जिस नंबर के गांठ पर आकर के ये क्रॉस मिल जाए उसी एज में आप अपनी इस दुर्घटना को समझ सकते हैं। इससे हम आयु का मूल्यांकन करते हैं, निर्धारण करते हैं। आगे बताएंगे कि अगर जल में आपके साथ कोई सामूहिक दुर्घटना की संभावना है, आप 8-10 दोस्त गए हैं जल क्रीड़ा के लिए, खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो कहां तक आपकी कुंडली पहले ही इंडिकेट करेगी, आगे चर्चा करें। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे, गुवाहाटी से अंजू जुड़ी हैं हमारे साथ। जी अंजू जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। राधे राधे जी, जी। पंडित जी, मेरे लड़का का बारे में पूछना चाहते हूँ। बताइए। उसका जन्म है 10 दिसंबर 1973। जी हाँ। दिन को 1:10। बर्थ प्लेस? गुवाहाटी। गुवाहाटी जी। क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, वो तो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, ऑफिस का काम से उसके जुक्त है, लेकिन प्राइवेट हो गया अब। अच्छा। इसको परमानेंट नहीं हो रहा है। अगर ये परमानेंट कब तक होगी? जी। दूसरा प्रश्न है, उसका राइट जो आंख है वो बहुत कमजोरी हो गया, तो ठीक होगा कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, परमानेंट होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, चिंता एकदम ना करिएगा। सूर्य बहुत मजबूत है, मंगल भी बहुत मजबूत है, दोनों ग्रहों की मजबूती से इनका परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कंफर्म मान के चलिएगा, निश्चिंत रहें। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का पाठ इनके लिए सर्वोत्तम शुभ फलदायक रहेगा। बुध इनका अष्टम भाव में बैठा है, यह इनका दोषपूर्ण है। प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश को लड्डू और दूर्वा अर्पित करवाइएगा। बाकी कोई चिंता नहीं है, नेत्र दोष वगैरह सब दूर हो जाएगा, सुंदरकांड का पाठ करवाइए। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जब भी नए काम की शुरुआत करने की आप सोचते हैं, लेकिन मन में डर आ जाता है कि कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। नए काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी और डर भी दूर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उपाय करने होंगे जो आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। कानको अरिगातो। नई बोली सीखकर नई तकदीर बनाने चले हैं। वदशिका नई शिमशो खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। सोने जैसा परख कर मिट्टी का मोल बढ़ाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। नई मंजिलों को छूने जेब में दुकान लिए चले हैं। खूबियों में एक और खूबी बढ़ाने चले हैं। अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स, खूबियों में एक और खूबी। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का विषय हमारा बेहद ही खास है क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं, जो बता रहे हैं जानकारी उसका मकसद आपको डराना नहीं है, पहली तो ये बात है। हम आपको सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कुंडली के माध्यम से वो कौन से योग हैं जिनकी वजह से सामूहिक रूप से जो है दुर्घटनाएं घट जाती हैं और इसकी वजह से कई परिवार के दिए बुझ जाते हैं आचार्य जी। और ऐसे में अगर हम बात करें आज के जो हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता है उनके नाम की घोषणा भी बस हम आगे करने ही वाले हैं। कुंडली हमारे पास आ चुकी है और उनका नाम भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जल में होने वाली दुर्घटनाएं आचार्य जी, वैसे भी देखते हैं जब समर वेकेशन आता है तो लोग सोचते हैं कि हिल स्टेशन पर जाएं और फिर कई बार बोटिंग का मजा लिया जाता है या फिर तैराकी के रूप में, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर भी इस तरह की दुर्घटनाएं सुनने को मिल ही जाती हैं। पिछले साल भी हमने सुना था कि ये जो है बिल्कुल जो एक साल बच्चे स्कूल से गए थे ट्रैकिंग के लिए और वहां पर डूब गए थे, इस तरह का हादसा हुआ था। क्यों ऐसा होता है कि एक साथ जल में इस तरह की दुर्घटना? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की भी संकेत कुंडली दे देती है। मृत्यु खींच कर ले जाती है वो आपके मस्तिष्क में। देखिए हमने कई बार इस बात को बताया है कि ग्रह आपके सामने खड़े नहीं होंगे आकर कि हम तुम्हारे तृतीयेश हैं अष्टमेश हैं और हम तुमको अब लेके चल रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु वहां पर है, ऐसा नहीं। मस्तिष्क में स्वतः उस प्रकार के भाव आ जाते हैं जब उस प्रकार की घटना घटने का वक्त आता है। प्रकृति ना करे किसी के साथ ऐसा हो, आपके भाग्य फल आपके पुण्य फल जागृत हो जाएं। आप कल आज और कल देख रहे हैं, निःसंदेह आपका भाग्य जग रहा है, आप पहले ही सावधान हो जा रहे हैं और सावधानी ही यकीनन बचाव है। जल में होने वाली घटना है अर्थात जलमग्न होकर की मृत्यु को प्राप्त करना, किसी के जन्मांक में यदि ऐसे संकेत हैं तो क्या है आइए आपको बताते हैं। अष्टम या तृतीय इन दोनों में से किसी एक भाव में जलीय राशि हो, जलीय राशि में सबसे मुख्य होती है कर्क राशि, थोड़ा हद तक वृश्चिक और फिर आ जाती है मीन। मीन संपूर्ण रूप से जलीय राशि है। तो अष्टम या तृतीय में यदि जलीय राशि है तो मृत्यु का स्वरूप जल के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमने सही भी पाया है। राहु और चंद्रमा की युति अगर किसी के जन्मांक में है तो ऐसे लोग को जल से बचना चाहिए, जल में खतरा लगभग तय होता है। चंद्रमा यदि 0 डिग्री का होकर फोर्थ हाउस में हो, 0 डिग्री का होकर चौथे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है किसी भी राशि में, जलीय राशि में है तब तो कन्फर्म मान के चलिएगा, अगर किसी भी राशि में हम कहते हैं है तो यह आपके लिए संकेत अच्छा नहीं है। जल में आप समूह में जाने से बचें, किसी भी तरह की राफ्टिंग ट्रैकिंग आदि से बचना चाहिए, नौका विहार से बचना चाहिए। किसी भी क्रूर ग्रह से युद्ध होकर चंद्रमा अष्टमस्थ हो, मसलन राहु मंगल सूर्य अमावस्या का जन्म हो जाएगा या फिर शनि, ऐसे किसी भी ग्रह के साथ चंद्रमा अगर अष्टमस्थ है तो जल में ही मृत्यु के संकेत प्रबल होते हैं। ऐसे योग में हमने यहां तक पाया है कि व्यक्ति नहाते समय मर जाता है, मतलब जल का संबंध मृत्यु से होना तय है। अब नहीं हो जा रहा कहीं पर नदी में तालाब में पोखरे में समुद्र में, तो ऐसी स्थिति में घर में भी ऐसी संभावनाएं बनती हैं, ये मृत्यु का संकेत हम दे रहे हैं। लेकिन आज चर्चा हो रही सामूहिक मृत्यु के बारे में, तो चतुर्थ भाव का संबंध होना अनिवार्य होता है। सप्तमेश और चतुर्थेश के साथ चंद्रमा का संबंध हो और तृतीयेश से दृष्ट हो, सप्तम और चतुर्थ के मालिक कहीं से भी चंद्रमा से संबंध रख ले और तृतीय का मालिक उसको देख ले, बहुत क्लियर योग है। लग्नेश का नीच राशि में रहना भी कई बार जल में सामूहिक मृत्यु के संकेत दे देता है यदि लग्नेश ही नीच राशि में बैठ जाए। अब आते हैं हम हस्त रेखा, यदि जीवन रेखा चंद्र क्षेत्र पर मुड़ जाए बाहर की तरफ, भाई चंद्रमा इसके बाहर है, यह आपकी जीवन रेखा लाइफ लाइन है और चंद्र क्षेत्र यहां है, बहुत हाथों में बहुत मतलब कि जिसका इस प्रकार से हादसा होने वाला होगा, जीवन रेखा कटेगी या रुकेगी और यहां से कर्व लेके मोड़ लेकर के और आ जाएगी चंद्र क्षेत्र, मतलब जीवन का संबंध, मतलब जीवन की समाप्ति का संबंध जल से हो गया, बहुत स्पष्ट है। अगर किसी के हस्तरेखा में इस प्रकार की रेखा है सावधान हो जाइए, आप स्वतः जल से बचें। अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं नहाने आदि के लिए तो किनारे बैठ जाइए, लोटा से मग्गे से पानी लेकर के नहा लीजिए, लेकिन जल के अंदर प्रवेश ना करें तो बेहतर है। जी
बिल्कुल आगे बताएंगे कि अग्नि की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। जी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं आप? राजगढ़ से, मध्य प्रदेश। बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बनी है आप सुनीता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज लकी कॉलर बनने के लिए। बहुत जी सुनीता जी, कई दिनों से ट्राई कर रही हूँ आचार्य जी। मैं आपका शो नियमित देखती हूँ, जो भी उपाय बताए जाते हैं मैं बिल्कुल करती हूँ। इतनी खुशी होती है जिस दिन मैं, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो रात लाइट वाइट से डिस्टर्ब रहती है, मैं नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे बहुत बेकार लगता है, दिन भर अच्छा नहीं लगता है। बेहद पसंद है कार्यक्रम। बहुत आभार आपका, आप सबका स्नेह हमारी शक्ति है। बताए किसके विषय में जानना है? आचार्य जी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख मैम वो तो मुझे कन्फर्म नहीं है सही से। अच्छा, तो ऐसे में काम करते हैं आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में बताकर उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। हाँ। आप हाँ तो मैम मतलब मैं अपने ही बारे में जानना चाहती थी क्योंकि मेरी तो बहुत समस्याओं में इस बार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मैं सर आचार्य जी मेरी 32 ईयर है। अच्छा, क्या जानना चाहती है आप? आचार्य जी मेरी दो बेटियां हैं और मेरे पति मुझे 3 साल से घर से छोड़ के चले गए हैं, दूर रहते हैं और ना ही वो मेरे पास आना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ आ जाए वापस, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं, किसके ना ही मेरी कोई जॉब है, मैं चाहती हूँ मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे मेरे पास। चलिए सुनीता जी, हम प्रश्न कुंडली का सहारा जरूर ले रहे हैं, आपकी इस समस्या से आपको मुक्ति प्रकृति जल्दी दे दे। और देखिए प्रश्न कुंडली समय तुला लग्न में आपने प्रश्न किया है और जिस प्रकार की स्थिति है फिलहाल तो ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है। बुजुर्गों का हस्तक्षेप करवाएं आप, जितना हो सके बड़े बुजुर्गों के साथ मीटिंग करवाइए। और चंद्रमा मिथुन राशि में है, लग्न मिथुन है इस समय और सूर्य बुध शुक्र एक साथ मेष में आ गए हैं, ये स्थिति संकेत अच्छे नहीं है। राहु की महादशा में आपने प्रश्न किया है और राहु खुद आपके पराक्रम भाव में है, आप मेहनती हैं, आप जुझारू हैं, अन्यथा मृत्यु को अंगीकार करने के लिए भी आपके मन में विचार खूब आएगा कि जीवन समाप्त कर लिया जाए, लेकिन आपकी बच्चियों का चेहरा देख करके आप रुक जाती होंगी। सबसे पहली चीज उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करके एक पुस्तक का दान कर दीजिएगा और एक गौ दान करने के लिए भी विचार करिए। शनिवार का व्रत करिए, कुछ हद तक शांति जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल, और शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए सुनीता जी। और अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में, बेहद ही अशुभ समय होता है, नोट कीजिए कल का राहु काल। कल के राहुकाल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक, यही वह समय है जब शुभ कामों से तौबा कर लें। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं बेहद ही शुभ समय के बारे में, अच्छे समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। कल का गुलिक काल रहेगा 10:30 से लेकर 12 बजे तक, इस बीच आपको कोई भी शुभ काम करना चाहिए, काम बन जाए। बिल्कुल, फिलहाल अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। मिट्टी के बारे में बताएंगे आपको, मिट्टी में जो है ग्रहों का वास होता है और किस तरह की मिट्टी के प्रयोग से आपके लिए जीवन में शुभ जो है। जीवन में 3 क्षेत्र, प्यार, नौकरी जी और वैवाहिक जीवन। जी हाँ, शुभ संयोग बनेंगे, मिट्टी के प्रयोग कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।